बच्चों आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, इसका नाम है प्रेशर। देखो प्रेशर का क्या मतलब होता है कि कितने एरिया में हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं, कितने एरिया में हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर में क्या होता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एक कितने एरिया में हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। ऐसा यूनिट प्रेशर की होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। कैसे आया, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, एरिया की कितनी होती है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन अपॉन मीटर। क्लियर है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। देखो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कहते हैं, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, पास्कल। तो आप ऐसा यूनिट न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं और पास्कल भी लिख सकते हैं। 1 किलो पास्कल में 1000 पास्कल होते हैं, हमेशा ध्यान रखें। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ऐसे 1 किलो पास्कल में 1000 पास्कल। ठीक है, नोट करिए।